परम सत्कार जो सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा साध संग जी जिन्नी भी संगत सरवरे कैनात वाली है दो जहान धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणों में सुभाईमान है जुड़ बैठी है। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाओ, फतेह बुलाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वैसे फतेह इन्नी औखी तो नहीं भी कोई भी ना बुला सके, ये तो साडा हर घर विच नारा है फतेह गुरु की। माता नूं बच्चे मिलदे ने फतेह बुलाउण, स्कूल जांदे ने फतेह बुलाउण, एक फतेह ही है जिहड़ा भला करदी है। बच्चों की भी फतेह हुंदी है, घर की भी फतेह हुंदी है, कारोबारां की भी फतेह हुंदी है। जिन्हें साडी फतेह करनी है असीं उहदे ते संकोच करी दिंदे। आ गुड मॉर्निंग का कोई अर्थ तो कोई महत्व तो नहीं ना, कोई फल तो नहीं ना। सत श्री अकाल का महत्व है, सत श्री अकाल, अकाल पुरख का नाम आता है दुनिया। चलो हिंदू वीर राम राम कहते उनका भी कोई फल है, मुसलमान वीर सलाम वालेकू सलाम वो भी अकाल पुरख नू रब नू खुदा नू करते हैं सलाम। इस करके आपां नू तां गुरु कलगीधर पातशाह ने फतेह बख्शी है। फतेह जिंदी जबान च फतेह हुंदी, मैदान च फतेह, ते जिंदे कोल फतेह हुंदी फतेह ही फतेह। बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज अस्सू महीने की संक्रांत का दिहाड़ा, तुहाडे चरणां च बेनती है थोड़े जे मिनट तवज्जो दे दिओ, सिर्फ 10-15 मिनट। सारियां मातावां नूं सारी संगत नूं बेनती है, क्योंकि पता है समा थोड़ा जिहा उपर हो गया, पर 10-15 मिनट कृपा करिओ सारे। अज अस्सू दा महीना प्रारंभ होया, अस्सू दे महीने द्वारा सतगुरु जी उपदेश करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 135। वैसे 34 तो एक पंक्ति शुरू हो जाती है, 35 ते संपूर्ण हुंदा है ये हुक्मनामा ये महीने द्वारा। असुन प्रेम महड़ा क्यों मिलिए हर जाए। असुन दे अर्थ ने असू, प्रेम स्नेह प्रीत प्यार, उमाहड़ा उमाहड़ा उमंडिया होया, उमाहड़ा उछल रहा, उमाहड़ा उछाले मार रहा। एक एक पंक्ति दे कई कई अर्थ ने सत्संग जी। असू दे महीने द्वारा उपदेश करते ने, असू दे महीने विच जगियास दे विच जिहड़ा श्रद्धावान है, जिहड़े जुड़े हुए ने शरीर, जिहड़ियां रूहां जुड़ियां ने रब नाल, उहदा चिंतन उपाशन करदियां ने नाम जपे, उहनां दे अंदर असू दे महीने विच प्रेम उछाले मार रहा है रब नूं मिलण वास्ते। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, किस तरीके नाल रब नूं मिलिया जावे, किवें मेरा उहदे नाल मिलाप होवे। हुण इत्थे इतिहासक पक्ष है, इतिहास का प्रमाण है। गुरु रामदास महाराज का भरा है सहारी मल, गुरु रामदास महाराज का पिंड है चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान, बाकी परिवार भरा सारे रिश्तेदार उत्थे चूना मंडी रहिंदे ने लाहौर विच। हुण जदों रिश्तेदारी च विआह हुंदा है ते रिश्तेदार नूं बुलाया जांदा है। सहारी मल ने सोचा जे मैं गुरु अर्जन देव मां गुरु रामदास नूं बुलावांगा, इन्नी संगत मनदी मेरी भी वाहवा होवेगी, वड्याई होवेगी मेरी। अमृतसर आ गया, आके कहिंदा भ्राता जी, गुरु भ्राता जी, गुरु रामदास महाराज, तुहाडे भतीजे का विआह है, कृपा करो विआह विच शामिल होवो खुशियां विच।
गुरु रामदास महाराज जी कहिंदे असीं चले जावांगे पर साडे नाल संगत सैकड़ियां नाल हजारां नाल भी हो सकदी, तैनूं प्रबंध करना औखा हो जाणा। बाकी संगत इत्थे भी बहुत आउंदी है, इत्थे भी वेखणा। तिन्न पुत्तर ने साडे, तिन्न साहिबजादे, तिन्नां विच्चों किसे नूं भी लै जाओ। महाराज तुहाडा हुक्म ठीक है, जाण गया भी जे महाराज गए बिल्कुल सच्ची गल है, संगत बड़ी जाएगी, प्रबंध करना पैना। कह लगे चलो महाराज पुत्र नूं भेज दो। महाराज ने सब तो वड्डे पुत्र नूं बाबा पृथ्वी चंद जी नूं बुलाया। पृथ्वी चंद जी तुहाडे भरा दा विआह, तुहाडा ताया तुहानूं लैण वास्ते आया। सारी मल जाणिया भी जे मैं तुर गया मगरों गुरदा गद्दी किते मेरे छोटे भरा नूं ना दे दे, वह रहिंदा भी नेड़े है अपने पिता के नेड़े। गुरु अर्जन देव महाराज मन विच ईरखा जी है, ईरखा तो शुरू तो ही करता सी पृथ्वी। इस करके उन्हें जवाब देता, मैं कार भेटा सामना जिनी सेवा आउंदी है, ग्राही आउंदी है। महाराज कहिंदे तां कारज गुरु नानक चला रहा है, गुरु नानक की कृपा नाल चलणे ने, तेरा तो हिला वसीला जाइए, कोई गल नहीं, ये नहीं रुकते, चलते रहेंगे। नहीं महाराज मैं ही तो करदा, घर में होर किहड़ा, ये भी एक माण बोलता है हंकार भी अर्जन तुहाडे कोल बैठा रहिंदा छोटा भरा, महादेव नूं कोई पता ही नहीं। अब धूत बिरती छोटे भरा नूं पुछिया महादेव नूं बुला के, महादेव तू जा तेरे भरा दा विआह है। कहिंदा महाराज किहड़ा विआह, किहड़ी खुशी, उहदी बिरती उच्ची हो चुकी है। सब तो छोटे इस पुत्र नूं गुरु रामदास महाराज ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहा, अर्जन तेरे भरा दा विआह, ताया तेरा लैण वास्ते आया, तू चल। कहिंदा महाराज जिवें तुहाडा हुक्म, जिव जो हुक्म तिवै तिवका, जो तुद भावे साई पलीका। इहनूं कहिंदे ने गुरु दा सिख, जो गुर कहे सोई भल मानो, उन्हूं कहिंदे ने सिख। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु ने कहा सिख सत करके मान ले, गुरु दा सिख है सत्संग जी। गुरु कवे ता सिख मन्ने ना, फिर भावें जो मर्जी करी जावे विखावा। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहा तैयारी करो, मां कोल आग्या लैण वास्ते गए। मां माता गंगा जी, मैनू गुरु पिता जी ने विआह जाण वास्ते हुक्म कीता, तुसीं भी आग्या लो। कहिंदी मैं सदके जावां अपने पुत्र तों, जिहड़ा अपने पिता की आग्या विच चलदा है। मां नूं भी खुशी हुंदी है जदों बच्चे पिता का कहना मनदे, नहीं तां दोवें उपराम हो जांदे ने। सत्संग सब तो वड्डा सुख है ग्रिश्ती विच आग्याकारी होना बच्चा, बाकी सुख बाद विच ने। सो सत्संग जी मां ने सीस दिती, सिर ते हथ रख, इसे तरह पिता की आग्या विच रहेगा, गुरता गद्दी दे योग तू ही होएगा। मां की भी असीस, मां की असीस अरदास नालों भी ऐ कह लिए बड़ी छेती पहुँचती है। मां की असीस, मावां नूं बेनती है कि शीस दो, गुरसिखी जीवन तेनू मिले, तेनू गुरु घर की सेवा मिले, तेनू गुरु घर की रहत मिले, बाकी पढ़ाई पढ़ी सब कुछ मिल जाए, ना कम कर, आ चीज़ां जे मिल गई तो बच्चे की चढ़ती कला। गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने ताया नाल तुर गए टूना मंडी लो। हुक्म किया गुरु रामदास महाराज ने, जद तक असी बुलाइए ने आना नहीं। हुण ये महीने के प्रथाए प्रसंग क्यों लाया, इत्थे साखी सिद्ध होनी, क्योंकि जे शॉर्ट च लै जाते उत्थे आपां चूना मंडी लाहौर साखी का पता नहीं लगना सी। गुरु अर्जन देव महाराज तुर गए ने, विआह के कारज हो गए ने, ते बेनती कीती सी विआह दीआं खुशियां विच इन्ना नहीं रच जाना कि नितनेम संध्या वेला भुल जे, भुल जांदा है ना, शाम नूं तां भंगड़ा पाउणा ते रह रस कित्थे चेते रहिंदी, ते शाम नूं 12 बजे तक भंगड़ा पाया रात नूं, ते नितनेम कित्थे रहिंदा, फिर हो जांदा नितनेम। कोई विरला गुरमुख कर ले तां कह नहीं सकदे,
नहीं तो जिन्हें बारहवें तक पाप मारे अमृत वेले तो नहीं उठा जाना। जो गुर कह सोई पल मानो रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाए। सिखा तेरी माया नाल तेरे घर नाल नहीं गुरु प्यार करदा, तेरे शरीर नाल नहीं प्यार करदा। गुरु कहिंदा रहत प्यारी मुझको अमृत वेला कदी ना खजाई, जद तक शरीर च सुवास ने ते नितनेम ना कदी छड़ी। ते गुरु दे किरपा तेरे तो हटेगी नहीं, बाजा वाले दा हत्थ तेरे सिर ते ही रहेगा। महाराज ने कहा रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। गुरु अर्जन देव महाराज ब्याह च भी शामिल, इन्नी आपां ब्याह दीआं खुशियां नहीं मनाउणियां। चंगे कपड़े पाओ, तैयार हो, फंक्शन करो, पार्टी करो, जो मर्जी करो तुसी, बाकी पर अपने गुरु का उपदेश भी नाल पल्ले बन्नी रखना। सवेरे अमृत वेले भी उठते हैं, बाणी पढ़ते हैं, संगत जुड़ती है, पड़ा हुंदा है, शाम नूं भी दीवान लगता है, संगत नाम जपती है, बाणी सुनती। हुण महाराज नूं कई महीने लंघ गए, उत्थे विआह तां हो गया, कई महीने लंघ गए, मन विच प्रेम उछाले मार रहा है, किवें मिला जाके जिहड़े गुरु तो बिना मैं एक घड़ी नहीं रह सकदा सी। असुन प्रेम महाड़ा क्यों मिलिए घर जाए। असू दे महीने द्वारा इतिहासकारां दा कथन है भी इस तरह असू दा महीना सी, महीने तो उत्थे कई लंघे ने महाराज, ते महाराज ने पावन वचन महाराज दे मानू, महाराज दे अंदर प्रेम उछाले मारे, गुरु रामदास नूं किवें जाके मिला। मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए। मन ते तन करके प्यास लगी हुई है, बड़े ने जिज्ञासु मन करके तन करके तड़फते ने, गुरु नाल जुड़े हुए। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे, तन मन ही उन्हां दा हरिया हुंदा। हुण गुरु अर्जन देवा रह नहीं सकते, सारे शब्द उत्थे उचारे ने, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवै जियो भावे अन्न ना पानी। हे वाहिगुरु गुरु पिता जी, तुहाडे तो बिना तो अन्न पानी भी चंगा नहीं लगता, तुहाडे दर्शन आ जिहड़े रोज नितनेम करदे ने ना, जिन्ने बैठे ने माई भाई, एक दिन नितनेम नाम करन उन्हां नूं घर दा जल पानी नहीं चंगा लगता, उंज ही गुस्सा जाई जांदा मन नूं। विचली गल यह होंगी उन्होंने नितनेम खुंझा हुंदा, सिमरन घट जाता है, अमृत वेला रह जाता है, फिर गुस्सा आई जाता, वो जी खुराक है मन। हुण जे आपां नूं आपां जिहड़ा प्रशादा छकने सवेरे, प्रशादा ही ना मिले, भुख तां लगती है ना, तन महसूस हुंदा ना, वलवले उठते हैं। इसे तरह मन की खुराक है नाम सिमरन नितनेम, जिन्हां दी बन जाती है वो रह नहीं सकते सत्संग दी। गुरु अर्जन देव महाराज रह नहीं सके, फिर महाराज ने चिट्ठी पत्र उचारिया, जिहड़ा आपां बाणी पढ़दे ना शब्द हजारे, इहदा एक पाठ का बहुत ज़्यादा फल लिखा टकसाल ने, एक पाठ का बहुता ज़्यादा, तां बाणी का नाम शब्द हजारे है। हो सके नितनेम जिहदे नाल जिहड़ी पढ़दे ने धन्नवाद, नहीं तो जरूर पढ़ लेणगे, पंज कु मिंट ही लगदे ने सारे। महाराज उचारदे ने मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, तिरखा ना उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीव, हों भोली जियो घोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जीव। अगे की लिखे बाणी पढ़ दे, रहाओ रहाओ दा जिथे भी रहाओ हुंदी, दो भाव ने रहाओ दे, एक महाराज ने उत्थे रुके बाणी बाद विच उचारी, दूजा रहाओ केंद्री भाव सारा, रहाओ ते महाराज बख्श दे, पर इत्थे रहाओ दा विश्राम अर्थ है। महाराज रुक गए, पहला पत्र भेजिया जा अमृतसर लै जा मेरे गुरु पिता नूं, भी शायद महाराज भुल गए ने, मैनू तन पाणी भी नींद भी चंगी नहीं आउंदी, कुछ भी चंगा नहीं लगता गुरु दे दर्शनां तों बिना। जदों पत्र बाबा प्रीती चंद जी बाहर सी, वह मिले, कहिंदे गुरु महाराज नूं पत्र देना है, उन्होंने छोटे साहबजादे ने भेजे, जाने मेरे भरा दा पढ़िया
शब्द लिखे ये हुण बाणी भी रचन लग गया। जे मैं पत्र देता मेरा पिता इनू गुरता गद्दी दे देगा। ईरखा मन विच वह पत्र अपने जेब च पा लिया, जिहड़ा खिस्सा तोला पाया सी उहने खिस्से च पा लिया। कहिंदे जा मैं आपे दे दांगा, इत्थों ही लंगर छक दे इत्थों ही वापस हो जा। महाराज मसरूम रहिंदे ने सच्चे पातशाह। कहिंदा जी ठीक है, वह वापस मुड़ गया। महाराज डीकदे रहे गुरु अर्जन दे, कोई जवाब नहीं आया। फिर रह नहीं सके, फिर दूजा पदा उचारिया, एक घड़ी ना मिलते दूजा पदा उचारिया, तेरा मुख सुहावा जीव सहज तुन बाणी, चिर होआ देखे सारंग पाणी, धन सो दे जां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मरारे जीव। हुण इत्थे पाद दा थोड़ा जा फर्क है, सारे पदे सेम ने थले लास्ट विच, पर दूजे पदे विच फर्क। ये ध्यान नाल बाणी पढ़नी पैंदी। हौं कोली हौं कोल कमाई, दो वारी हौं, बाकी तीन पद्यां च एक वारी हौं। हौं कोली जीओ कोल कमाई गुरदर्शन सन, पर इत्थे हौं कोली हौं कोल कमाई, इस तरह दूजा पदा उचारिया। दूजा भी प्रिथी चंद ने लै लिया, वापस करता। फिर कोठे ते चढ़दे ने, देखदे ने, जिवें किसे भैण दा वीर बाहर गया होवे, वीर नूं डीकदी है भैण, इस तरह जिवें किसे पति पत्नी दा बीबी दा घर वाला बाहर गया होवे ते उह डीकदी है। ये महाराज ने इस्त्री बारे बाणी च लिखिया है, असीं अपने कोलों नहीं कह रहे। कई कहणगे भी शायद प्रमाण बीबी दा लाता। पंथ निहारै कामणी लोचन भरी ले उसासा, उर ना भीजै पग ना खिसै, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, वेग मिली जाए अपने राम प्यारे। जिहड़े घर विच आउणा होवे, कग नूं चूरियां पांदियां ने, तैनूं चूरियां पईयां जांदियां ने, उड़ो ना कागा करे, साडे बनेरे ते आके बह, बोल उड़ ना, कोई सुनेहा दे रब दे प्यारे दे, वेग मिली जाए राम प्यारे। इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज जी याद कर रहे ने अपने गुरु पिता नूं, कोई सुनेहा नहीं आया, रह नहीं सके। फिर कलम फड़ी, कागज फड़िया, शाही लिखन लग गए, एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए तो प्रे तुद भगवंता, मोय रह न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जीओ। हौ कोली जीओ कोल कमाई, गुर सच्चे दरबारे जीओ। रहाओ इत्थे फिर महाराज ने तीन पदे पूरे कीते ते लिखता चिट्ठी नंबर तीन। ते जिहड़ा सिख लैके जांदा सी मेरे भरा नूं ना फड़ाई, ये नहीं कहा मेरा भरा आ, तू मेरे गुरु पिता जी नूं फड़ाई। उन्हें इस तरह ही किया, प्रिथी चंद दे मत्थे नहीं लगा, गुरु रामदास महाराज दे कोल ही तुर गए संगत, ऐ दरबार लगा होया सी महाराज, ते महाराज दे चरणा च रखती। महाराज कहिंदे बाबा बुढ़ा जी वेखो की लिखे है। बाबा बुढ़ा जी खोलते ने पत्र नूं, पढ़ते ने, महाराज तुहाडे छोटे साहिबजादे ने भेजे, बाणी तो ही रच सकते ने, होर तो नहीं कोई रच सकता। गुरु अर्जन देव महाराज गुरु रामदास महाराज के सामने की चिट्ठी नंबर तीन, एक घड़ी ना मिलते, एक घड़ी नहीं मिलता सी सच्चा पातशाह कल युग वरतदा सी आके, हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता, मोय रहण ना विहावे, रात नहीं लंघदी, अखां खुलियां रहिंदियां ने रात, नींद न आवे, नींद नहीं अखां च आउंदी, बिन देखे गुर दरबार, तुहाडे दरबार देखे तो बिना। गुरु रामदास महाराज जी कहिंदे बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी तैयारी करो, बग्गी लै जाओ। उदों बग्गियां ही हुंदियां सी, कोई अज वर्गे साधन नहीं सी। बाबा बुढ़ा जी जाओ लैके आओ।
गुरु अर्जन देव महाराज जी कोठे चढ़ के वेख रहे सी, देखिया एक आ रहा है बग्गी आ रही है मेनू ही लैण वास्ते, मैंने गुरु पिता जी नूं पता लगा। आए बाबा बुढ़ा जी घुट के गल वकड़ी पाली, जफ्फी पाली बाबा बुढ़े, किन्ना चिर हो गया सी ना देखे। सो सतसंग जी जिहड़ा चौथा पद है इहदे विच जिहड़ा संत शब्द आउंदा है, गुरु वाचक नहीं संत, इत्थे संत वाचक ही है। ये बाबा बुढ़ा जी ने संत की गल की है, जो बाबा बुढ़ा जी दिलासे देंदे ने कोई नहीं हुणे आपां मिलणा गुरु महाराज, तुसीं विराग ना करो, अखां पूंजदे ने क्योंकि ये विरागी पुरश की निशानी हुंदी है, जो तड़प हुंदी रब नूं मिलणी, नेत्र सजर रहिंदे ने उहनां दे, नेत्रां विच जल वहिंदा हुंदा, ये विराग की निशानी, तड़प की निशानी गुरु नाल मिलणी। महाराज बाबा बुढ़ा जी समझाउंदे ने, बग्गी उत्थों लै के आ गए अमृतसर, गुरु पिता के चरणा ते मत्था टेकिया, सिर रखिया, गुरु रामदास महाराज ने छाती नाल ला लिया। सो सतसंग जी ये चौथा पदा मानो जदों बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अर्जन देव महाराज का गुरु रामदास महाराज नाल मिलाप कराता, भाग होआ गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, भाग हुआ, भागां वाला दिन है अज, गुर गुरु संत नहीं क्या, कई प्रचारक करी जांदे ने गुरु तो संत है, वाह गुरु ते संत बनाउंदा है, गुरु नानक ने संत बनाए ने, भाई बाला जी, भाई मरदाना जी, और भगीरथ जी, भाई मनसुख वर्गे, सज्जन वर्गे, टोडे राक्षस वर्गे संत बनाते महाराज, भाई लालो वर्गे, भाई मलक भागो वर्गे संत बनाउंदा है। गुरु अंगद देव महाराज ने बनाए, दसवें पातशाह ने बनाए, कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नहीं बनाउंदे, कहिंदे अज संत ही नहीं कोई, क्यों नहीं संत, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी संत बना रहे ने, अज भी संत हन, पर वह गल एदी हैण विरले ना ही घणे फैल पकड़ संसार थोड़े ने। इत्थे वाचक गुरु नूं नहीं किया संत, इत्थे संत वाचक है साधु, किहड़ा साधु है जिन्हें गुरु नाल मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, संत ने बाबा बुढ़ा जी ने गुरु रामदास महाराज नाल मिला दिता, संत मिलाउंदे ही गुरु नाल ने। आ किसे दे जीवन में कोई साधु संत मिलिया होवे, जीवन पलट के रखे हुए ने, पहला शराबां कबाबां नशे, बाद विच ओही घर विच बाणी नितनेम अमृत वेला, साधु जीवन बदल के रख देंदे ने। आ संत हो आए बड़े बड़े, संत बाबा आनंद सिंह महाराज, संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज राड़ा साहब, संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरां वाले, संत बाबा आतर सिंह महाराज रेरू साहब वाले, संत बाबा आतर सिंह महाराज मस्तुआ ने 19 लाख प्राणी में जोड़े, 10 लाख प्राणी में संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज राड़े साहब वाले ने जोड़े, कई लखा संत बाबा ईश्वर सिंह नानकसर वाले ने जोड़े। ऐसे संत साधु है ने अज भी विरले विरले जोड़ रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, वो संत ने बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने मिलाते। तो जदों बाबा बुढ़ा जी ने पूछया गुरता गद्दी, गुरु अर्जन गुरु रामदास महाराज ने पूछया, गुरु रामदास महाराज ने गुरु अर्जन देव महाराज लाल जी उत्ते 3 नंबर क्यों पाया चिट्ठी दे, कहिंदे महाराज मैं 2 पहला भी लिखियां, वो कित्थे ने, कहिंदे वो वड्डे भराता जी को दे आए सी, उन्होंने तुहानूं फड़ाइयां ने, बुलाया प्रीति चंद तेरे कोल चिट्ठियां ने, नहीं महाराज मेरे कोल कित्थे चिट्ठियां, मैं तां सेवा कराउंदा रहिंदा, झूठ बोल के। महाराज कहिंदे जे है ने दस दे कोई गल नहीं, नहीं महाराज मेरे कोल चिट्ठियां कि महाराज सिख भेजते हैं जा इन बारे च जिहड़ा किस्सा टोला टंगे हुंदे किस्से विच नहीं कढ लैंदे फिर रौला पावे, इस तरह जी तुसीं छोटे पुत्र नाल प्यार करदे मेरे नाल नहीं करदे। बाबा बुढ़ा जी दसो किहड़ा योग है साडे पुत्रां नूं, कहिंदे अर्जन गुरु अर्जन देव महाराज
फिर तैयारी की गई। पांच पैसे नरेल रख के गुरु रामदास महाराज ने तीन परिक्रमा कीतिया। ये नरेल तां रखते ने सारे फलों नालों उत्तम फल है। कई पुछ लेंदे नरेल क्यों रखते ने, बाभणवाद है पखंडवाद है। नरेल का नाम है श्री फल, फलों में श्री फल, श्री मतलब उत्तम श्रेष्ठ फल। इनू पानी जी सट दो, इनू मिट्टी जी सट दो, किते सट दो, यह मैला नहीं होंदा, गंदा नहीं होंदा। उत्ते परत किन्नी होंदी है, पहला वो किन्नी का पूंजा होंदा उपर, फिर सख्त परत उत्ते लगी होंदी जिनू आपां तोड़दे आं। सब तो उत्तम तां महाराज कोल अज भी श्री फल ही रखिया जांदा, सब तो उत्तम फल है श्री फल। रखिया महाराज ने तीन परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकते। अज तो पंजवीं जोत गुरु नानक देव गुरु अर्जन ने महाराज पृथ्वी चंद ने रोस किया, महाराज तुसी मेरे नाल बेनसाफी की, मैं वड्डा पुत्र ए छोटा, छोटे नूं गुरता कदी देती तुसी। महाराज कहन लगे असी तां सारी संगत नूं पुछे, ब्रह्म ज्ञानी गुरसिखा नूं पुछे, सारिआं ने गुरु अर्जन देव धुरों बख्शिश है नाले गुरु अर्जन ने। गुरु अर्जन प्रतख कर, जे तेरे अंदर रोस है कि मेरे नाल बेइंसाफी कीती है, धक्का है, ये योग नहीं, फिर ये जिहड़ा बाणी उचारी है गुरु अर्जन देव महाराज ने, तीन पदे उचारते ने, तिना नानी है, चौ पदे शब्द है। जदों उत्ते बाणी दे लिखे होंदे ना दो पदे चौ पदे पंच पदे, ये पदे ने नाल लिखे बाणी, इन्ने पदयां दा शब्द, ये चौ पदयां दा शब्द है। तेन उचारण हो गए ने, चौथा रह गया, तू उचार दे तेनू गुरता कदी हुणे दे दांगे सी, ये कोई गल हुई महाराज। महाराज कहणगे अर्जन देव ने भी उचारिया ने तीन पदे उचारे, एक पदा रहिंदा है, तू उचार दे तेनू हुणे गुरता कदी हुई गल कर। बस बोलदा होया, उच्ची उच्ची बोलदा होया महाराज कहिंदे बाणी दा शब्द उचारिया, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जड़े बडीरे तुम हो, तिन से चंग तिन सो झगरत पाप। ओ जिन्हें तेनू जम्मिया पालिया ओ पुत्र, ओ प्यो नाल लड़दा है तू, कहिंदे ये भी तेनू पाप लगे। ये उन्हूं नहीं समझाया, सानू समझाया, देखियो पिता नाल लड़ियो ना, उन्हें जम्मिया पालिया पोसिया है, घर बार बनाया है, बड़ा कुछ किया है, एक पिता ही है, अपना सारा कुछ कमा के पुत्र नूं सौंप देंदा, लै सांभ। कोई देंदा है अपना सारा कुछ? नहीं देंदे। महाराज ने अज दे सारे बच्चों आपां नूं समझाया, 300 झगड़त पाप, उन्हां नाल झगड़ना झगड़ा करना पाप है, झगड़ना नहीं उन्हां नाल, अपने पुत्र नूं संबोधन करके सानूं समझाया। फिर कहन लगे अर्जन देव जी नूं, अर्जन देव तू उचार फिर चौथा पदा। इतिहासकार इंज भी कहिंदे भी उदों उचारिया, फिर गुरु अर्जन देव महाराज उचारदे ने, भाग हुआ गुर संत मिलाए, प्रभ अविनाशी घर मैं पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये चौथा पद। सो गुरु अर्जन देव महाराज संसार ते प्रगट हुए। ये पहलियां दो पंक्तियां महाराज ते टुक दियां, मन तन प्या दर्शन कणी कोई आन मिलावे, मैं संत सहाई प्रेम के ओ तिन कै लागा पाए। संत ने बाबा बुढ़ा जी मिलाता, जोड़न हारू संत नानक, पादर पादरू सब ते उच्चे जानिए नानक नाम पिया। कहिंदे जिहड़े संत ने सब तो उच्चे ने, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਲਾਏ,
बेनती करते हैं आपा आप त्याग के अपने लड़ ला लो महाराज। ते अगली पंक्ति विच कहिंदे ने आप त्याग बेनती करै लियो प्रभु लड़लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै न जाए। जो परमात्मा ने कंत ने वाहिगुरु मालक ने अपने नाल जोड़ ले वो विछोड़े नहीं फिर सतखंड च उन्होंने थां मिले जूना च नहीं गए हो। प्रविण दूजा कोई नहीं नानक हर शरण आए वो वाहिगुरु तो बिना और कोई नहीं जिहड़ा शरण दवे दो जहानी। गुरु नानक दी शरण है दो जहानी थां मिलदी है। ते कहिंदे असू सुखी वसंदियां जिन्हां मियां हर राए। असू दे महीने विच उही सुखी वसदे ने जिन्हां ते ओ राजान राज राजे दी अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा है बख्शिश है। ये अज दे महीने की कथा है जिंदे आपां अर्थ कीते ने इतिहास का पक्ष नाल ला के इतिहास का प्रमाण गुरु अर्जन देव महाराज। सो इन्नी कु बेनती प्रवान करो हुई बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां दी मुआफ़ी दे देनी जी। संगत विच बड़े बड़े सत्कारयोग बैठे ने सियाने बैठे ने गुरु घर दे सेवादार क्योंकि जो उन्होंने कहीदा तुसीं प्रधान कहिंदे सेवादार सेवा करन वाले। बाबा स्वर्ण सिंह जी बड़ी कृपा बाणी नाल जुड़े ने नितनेमी ने सेवा बड़ी गुरु घर रोज़ सेवा भी करते ने बाणी भी पढ़ते ने। इस करके महाराज कृपा करे बाणी तो जाणू भी ने विचारवान भी ने। होर भी संगत विच बड़े बड़े सियाने बैठे ने बापू दरबारा सिंह वर्गे बापू दर्शन सिंह वर्गे जिहड़े महापुरशां दी संगत करते ने बाबा महिंदर सिंह जी होर बड़े साडे सत्कारयोग वीर बजुर्ग जिन्हां दे नाम सतसंग जी कहने की लोड़ ही नहीं है पता ही है सारियां नूं। सो सारियां नूं चरणां च बेनती है ये कथा करदियां पाठ करदियां सेवा करदियां एक नहीं अनेक गलतियां होंदियां। साडे उस्ताद कहिंदे ने पहलां गलती मन्नणी पहलां गलती जरूर होंदी कवे सतबचन जी गलती पहलां कहिंदे इस करके गलतियां पहलां ने।